Hello students, hope you all are fine. So dear students, we were solving worksheet 5 of chapter 3 integers. In our previous videos we have discussed first 4 questions of worksheet 5 and today we will continue with question number 5. Okay, before starting question number 5, I want to ask one thing, that the students who have not watched the video part 6 integers, firstly watch that, after that continue with this. Okay, so let me start question number 5. As we know that worksheet 5 is based on the concept subtraction of integers, and in yesterday's video we have discussed the rule of subtraction. Okay, and I hope you all understand that rule. So question number 5 is, sum of two integer is 48. If one of them is minus 25, then find the other. Okay, this question is not direct question. It is not given that find the sum or find the difference or subtract these numbers. This is indirect question. You have to find the concept which is followed here. Okay, so first understand this. What is the question? Here the sum of two integer is 48. Sum of two integer is given. Sum of two integer is 48. So first we will write the given things. Now 48 is sum, and you all know what is sum? Sum of two integers. Sum means the answer which we get after adding the numbers. That is sum. It means जो हमें numbers को add करके answer मिला है वो हमें पता है. We know that. That is 48. This is solution. And if one of them is minus 25, because it is the sum of two integers, और two integer में से हमें one integer given है, one of them is minus 25, so one integer, or you can also write one number, one integer is minus 25, it is also given, then find the other. आपको जो second वाला integer है वो find करना है. ठीक है, तो क्या है, टू इंटीजर को ऐड करके जो नंबर आपको मिलेगा, जो सम मिलेगा वो 48 है, और वन इंटीजर की वैल्यू माइनस 25 है. तो सेकंड इंटीजर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? तो वी विल सेकंड इंटीजर फाइंड करने के लिए वी विल सबट्रैक्ट द गिवन इंटीजर फ्रॉम द सम. ठीक है, हमें जो सम है उसमें से गिवन इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. आपको माइनस करना है, पर माइनस किस में से किसको करना है? सम में से गिवन इंटीजर को करना है. ठीक है, तो सेकंड इंटीजर विल बी इक्वल टू सम माइनस गिवन इंटीजर. ओके, सो व्हाट इज सम? 48 माइनस व्हाट इज गिवन इंटीजर, दैट इज माइनस 25. माइनस 25. ओके, सो हेयर वी आर सब्ट्रैक्टिंग एंड वी विल फॉलो द रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन. एंड वी नो दैट टू सब्ट्रैक्ट वी ऐड द नेगेटिव ऑफ द सबट्रेंड. अगर हमें टू इंटीजर को माइनस करना है तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं नेगेटिव ऑफ द सबट्रेंड. सबट्रेंड क्या है? अब ये सेकेंड वाली टर्म हम डिस्कस कर चुके हैं कल, तो सेकेंड वाली टर्म का नेगेटिव करना है. नेगेटिव मीन्स उसका ऑपोजिट कर देना है हमें. तो यहाँ 48 प्लस, इसको ऐड करना है तो माइनस इज रिप्लेस बाय पॉजिटिव साइन प्लस, और ये माइनस 25 का ऑपोजिट क्या होगा? 25. नाउ 48 प्लस 25 बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, एंड टू ऐड पॉजिटिव नंबर वी विल ऐड द एब्सोल्यूट वैल्यू. 8 प्लस 5 हियर 13, and 4 plus 2, 6 and 1, 73. It means the second integer will 73. Okay, so therefore value of second integer is equal to 73. Okay, now the question number 6 is, again
same type question is here. Subtract the sum of 38 and minus 49 from minus 100. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बोल दिया, ऑपरेशन इज गिवन, सब्ट्रैक्ट, आपको सब्ट्रैक्ट करना है. बट सब्ट्रैक्ट किस में से कौन सा नंबर करना है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 38 एंड माइनस 49 फ्रॉम माइनस 100. ओके, इट मींस जो 38 और माइनस 49 का सम होगा उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 100 में से. ओके, सो क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 38 एंड माइनस 49 फ्रॉम माइनस 100. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द सम, इनका सम क्या है वो फाइंड कर लेते हैं. सॉल्यूशन इज सम ऑफ 38 एंड माइनस 49. इन फर्स्ट स्टेप वी विल फाइंड द सम, और सम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम दोनों इंटीजर्स को ऐड कर देते हैं. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 38 प्लस माइनस 49. अब ये सब्ट्रैक्शन का सम नहीं है, ये एडिशन का ही सम है. तो एडिशन के रूल फॉलो करेगा, वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव. सो वी विल सब्ट्रैक्ट द एब्सोल्यूट वैल्यू, हम इनकी वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. और 49 में से आप 38 को माइनस करेंगे, यू गेट 11, और आंसर ग्रेटर का होगा तो माइनस 11. ओके, नाउ यू गेट सम माइनस 11. अब आपके पास सिंपल क्वेश्चन हो गया कि सम ऑफ 38 एंड माइनस 49 इज माइनस 11, और माइनस 11 फ्रॉम माइनस 100. नाउ द क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट माइनस 11 फ्रॉम माइनस 100. तो सिंपल, इन स्टेप टू क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट माइनस 11 फ्रॉम माइनस 100. सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप माइनस करेंगे, तो माइनस 100 में से फ्रॉम माइनस 100 है, तो माइनस 100 माइनस माइनस 11. अगेन साइन विल रिप्लेस बाय एडिशन, माइनस 100 एज इट इज, इसको प्लस का साइन में चेंज करेंगे. और जैसे ही इसको प्लस का साइन किया है तो आपने अंदर वाले साइन को भी चेंज करना है, इसका ऑपोजिट कर लेना है. तो माइनस 11 बिकम 11. ओके, नाउ माइनस 100 एंड प्लस 11, वन इज़ नेगेटिव एंड वन इज़ पॉजिटिव, तो आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिस इज इक्वल टू 100 माइनस 11 इज 89, और ग्रेटर 100 है तो 100 के साथ नेगेटिव साइन है तो माइनस 89. तो इट इज़ योर आंसर. सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम माइनस 100, तो ये क्या होगा, माइनस 89. ओके, इट इज़ द आंसर. तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, इनडायरेक्टली दिया है आपको. तो आपको पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, आफ्टर दैट यू सॉल्व. ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज क्वेश्चन ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन मीन्स कंपेयर करना है आपको कि विच वन इज ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है. फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन सेकेंड वन, और फर्स्ट वन इज स्मॉलर देन सेकेंड वन. तो वी कैन नॉट गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डायरेक्टली. अब यहाँ कोई एक इंटीजर नहीं है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, ये ऑपरेशन की फॉर्म में दिए हैं, माइनस 25 माइनस माइनस 15 एंड माइनस 25 प्लस माइनस 15. ओके, तो फर्स्ट वी विल सॉल्व दीज टू क्वेश्चंस, आफ्टर दैट वी विल लुक एट द आंसर वी गेट, देन वी विल डिसाइड विच वन इज ग्रेटर. ओके, तो लेट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हियर आई एम डिवाइडिंग दिस क्वेश्चन इन टू पार्ट्स. इन फर्स्ट पार्ट दिस इज माइनस 25 माइनस माइनस 15, तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ माइनस. यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट इंटीजर है, ये सेकेंड इंटीजर है, और इन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, तो ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है. ठीक है, तो हम इसको एडिशन में पहले चेंज करेंगे, माइनस 25 प्लस माइनस 15 बिकम 15. ओके, नाउ वन इज़ नेगेटिव एंड वन इज़ पॉजिटिव, तो इनकी वैल्यू को हम माइनस करेंगे. 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10, और साइन ऑफ ग्रेटर टर्म इज माइनस. ओके, नाउ इन सेकेंड द क्वेश्चन इज ऑफ एडिशन, ये माइनस 25 माइनस 15, और इन दोनों के बीच में साइन कौन सा है, प्लस का. इट मीन्स बोथ इंटीजर्स आर एडिंग, दोनों ऐड हो रहे हैं. तो ऐड करने के लिए हम देखते हैं द इंटीजर हैज़ सेम साइन और ऑपोजिट साइन.
अब इन दोनों के साथ सेम साइन है, ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो सेम साइन हो तो हम क्या करते हैं, हम उनको ऐड करते हैं, वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। तो 25 प्लस 15 इज़ इक्वल टू 25 प्लस 15 करेंगे हम, और यहाँ पर जो साइन होगा वो किसका होगा, नेगेटिव का, क्योंकि हम नेगेटिव्स को ऐड कर रहे हैं। तो 25 प्लस 15 इज़ इक्वल टू 40 एंड साइन इज ऑफ नेगेटिव। तो अब यहाँ पर हम डिसीजन लेंगे, इसका आंसर -10 है और यहाँ -40 है, तो विच वन इज़ ग्रेटर, -10 और -40? यू ऑल नो -10 इज ग्रेटर देन -40, इट मीन्स -25 माइनस -15 इज ग्रेटर देन -25 प्लस -15। तो यहाँ पर मैं ग्रेटर का सिंबल शो कर रही हूँ, ठीक है। तो इसी तरह इसका मैंने ए पार्ट किया है 7th क्वेश्चन का, बी पार्ट भी सेम ही है इसी तरह, उसको भी आपने कंपेयर करना है। तो फर्स्टली डिवाइड द क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स, ये जो सर्कल है ये कंपेयर करने के लिए दिए हैं, बट कंपेयर हमने इन दोनों को करके फिर इसको किया ना, तो इट मीन्स ये अगर -10 ग्रेटर है -40 से, इट मीन्स दिस वन इज़ ग्रेटर देन दिस, देयरफॉर -25 -15 इज ग्रेटर देन -25 प्लस -15। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से करना है, इसका बी पार्ट। नेक्स्ट 8th इज फाइंड द वैल्यू। अब फाइंड द वैल्यू क्या है, यहाँ ऑपरेशन नहीं लिखा है, यहाँ ये नहीं लिखा है कि ऐड द फॉलोइंग, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, फाइंड द डिफरेंस और फाइंड द सम, यहाँ लिखा है फाइंड द वैल्यू। और वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्वेश्चन में देखेंगे कि वहाँ पर कौन सा साइन है। इंटीजर्स में अगर एडिशन का साइन है तो हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई होगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो भी साइन होगा हमें वही ऑपरेशन फॉलो करना है टू फाइंड द वैल्यू। तो हियर इन ए पार्ट -3 -19, आपके पास जो इंटीजर्स हैं वो कौन से हैं, -3 है और -19 है, और इन दोनों के बीच में साइन माइनस का है, इसलिए इनका ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन है, माइनस है। तो माइनस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, -3 साइन को चेंज करते हैं प्लस, और ये -19 से 19 होता है। नाउ वन इंटीजर इज़ नेगेटिव एंड वन इज़ पॉजिटिव, तो अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो उसकी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 19 माइनस 3 इज 16 एंड पुट प्रीफिक्स द साइन ऑफ ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू टर्म। तो ग्रेटर वैल्यू किसकी है, 19, और ये पॉजिटिव साइन है, सो 16 इज द आंसर। ओके, वेरी सिंपल। नाउ इन बी पार्ट देयर आर 3 इंटीजर्स, -12 -8 -35। तो अब इन तीनों को अगर आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको साइन देखने हैं। यहाँ पर -12 है, फर्स्ट तो एज इट इज रहता है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखिए, ये -8 है, इट मीन्स -12 में से 8 को हम माइनस कर रहे हैं, 8 इज़ पॉजिटिव, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ साइन चेंज करना होगा प्लस, और ये -8 हो जाए, ठीक है। नाउ -35, तो ये प्लस, और -35 का ऑपोजिट 35 हो जाएगा, ठीक है। आप जब भी देखेंगे कि अगर तो इंटीजर का अपना साइन नेगेटिव है तब तो उसको आप नेगेटिव मान के चलेंगे, बट अगर ऑपरेशन का साइन नेगेटिव है तो यू हैव टू रिप्लेस द नेगेटिव साइन इनटू पॉजिटिव साइन, ऑपरेशन ही चेंज कर देते हैं, और जैसे ही ऑपरेशन चेंज होता है वैसे जो सेकंड वाला आपका जो सबट्रेंड है उसका नेगेटिव हो जाता है, उसका ऑपोजिट साइन हो जाता है, क्लियर। तो ये तो हमने कल की वीडियो में बहुत अच्छे से किया है, तो अगर आपको फिर भी इसमें कुछ डाउट हैं तो आप उस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन है वो एडिशन की फॉर्म में आ गया है, हेयर टू इंटीजर्स आर नेगेटिव एंड वन इज़ पॉजिटिव, तो ग्रुपिंग होगी, नेगेटिव एक ग्रुप में जाएंगे, पॉजिटिव एक ग्रुप में आएंगे, -12 प्लस -8 प्लस 35, बोथ आर नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं तो इनकी वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, 12 और 8 20, और साइन माइनस का रहेगा, -20 प्लस 35। नाउ वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव, डिफरेंट हो गए, तो डिफरेंट साइन के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 35 माइनस 20
15 और साइन किसका रहेगा, पॉजिटिव का, तो 15 इज योर आंसर. ओके, इन एफ पार्ट देर इज 71 माइनस 83 माइनस माइनस 42 प्लस 15. अब इसमें क्या है, कुछ साइन तो यहाँ पर ऑपरेशन के माइनस दिख रहे हैं, जैसे 71 माइनस 83 मीन्स 83 जो है वो 71 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है. अगेन यहाँ माइनस माइनस 42 ऑपरेशन का साइन कौन सा है, नेगेटिव है. नेक्स्ट इज प्लस 15 तो यहाँ ऑपरेशन का साइन प्लस है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है ऑपरेशन के, वहाँ हम उसको चेंज करेंगे. तो यहाँ 71 प्लस माइनस 83 ये नेगेटिव है, ये प्लस 42 और ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इसको आपने चेंज नहीं करना. हम नेगेटिव को प्लस में रिप्लेस करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव में रिप्लेस नहीं करते हैं. ठीक है, ये प्लस 15 हो गया. अब आप देखिए आपके पास ये एडिशन की फॉर्म में है, यू हैव 3 इंटीजर्स पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव. तो पॉजिटिव इंटीजर को हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, 71 प्लस 42 प्लस 15, और नेगेटिव को अलग हम ले रहे हैं, अलग ग्रुप में जाएगा वो माइनस 83. ठीक है, नाउ ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव है तो इनको हम ऐड करेंगे. नाउ व्हाट इज द एडिशन ऑफ दिस, सम ऑफ दिस 5, 6, 7 एंड 8, एंड 7 प्लस 4 इज 11, 11 प्लस 1 इज 12, इट इज इक्वल टू 128. नाउ माइनस, इट इज साइन ऑफ एडिशन, यहाँ पर प्लस का साइन है, क्योंकि हम इनको सेपरेट, जब भी हम सेपरेट करते हैं ग्रुप में, तो पॉजिटिव एक ग्रुप में जाते हैं, नेगेटिव एक ग्रुप में जाते हैं, और इनको सेपरेट करने के लिए हम हमेशा प्लस का साइन देते हैं. ठीक है, यहाँ प्लस माइनस 83 होगा. नाउ वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिफरेंट साइन है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 128 को 83 में से, तो 8 माइनस 3 इज 5, और 12 माइनस 8 इज 4. ठीक है, और ग्रेटर 128 है तो यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, तो 45 इज आंसर. तो दिस वॉज द एफ पार्ट, एंड देर आर सम मोर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड यू हैव टू सॉल्व by adopting the rule of addition.